हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई है, और ये रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट से अलग क्यों है? क्योंकि यहां पे 16 अलग अलग स्कूलों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसी तरह से कस्तूरबा गांधी की अपडेट लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, तो उस प्लेलिस्ट में भी जाकर आप जो है चीज़ों को जो है चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को मेक श्योर आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि की, तो देखिए आपको पता ही है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने 26 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब ये देखो आपके पास बहुत सारा समय है, तो इसके लिए ये नहीं कि आप टाइम लोगे एंड अप्लाई करोगे सोच सोच के। देखिए डाक टिकट इसमें लगता है, 1 से 2 दिन आपका जो है पोस्ट ऑफिस में काम है। इसके अलावा जो है आपको आपके जो आवासीय जाति प्रमाण पत्र है उसे भी बनाना होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखोगे, अदरवाइज जो है चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा समय के इंतजार में आप ना रहें। यहाँ से देखो 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, ऑफिशियल वेबसाइट अभी नहीं चल रहा है। आई रिपीट, ये वेबसाइट अभी नहीं चल पा रहा है, सॉरी फॉर दैट। रुकिए मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको फॉन्ट को जो है पढ़ने में दिक्कत ना आए। चलिए पहली रिक्रूटमेंट है अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए, 9800 रुपये आपको पर माह दिया जाएगा। और एक पोस्ट है EWS के लिए और एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, टोटल 2 वैकेंसी है। आगे बढ़ेंगे, अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए आपको जो है कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के लिए रिक्रूटमेंट आई है, 9800 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 4 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जनरल के लिए, 2 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए और 1 जो है EWS के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे देखते हैं, अंशकालिक शिक्षिका महिला के लिए कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ में अगर आपने बीएड वगैरह कर रखा है तो अच्छी बात है। इसके अलावा PGDCA वगैरह कर रखा है या फिर ओ लेवल से या BCA कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 9800 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, 1 पोस्ट आपको जो है EWS के लिए देखने को मिलेगा। उर्दू शिक्षिका, उर्दू से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका काम बन जाएगा, BA उर्दू, साथ में जो बीएड है वो आपने कर रखा है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। 13200 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, टोटल 6 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जनरल के लिए, 3 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए और 1 वैकेंसी EWS के लिए आई हुई है। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार की जो वैकेंसीज है ये आपके द्वारा दी गई सूचना, जो आपके घर के आसपास के जरूरतमंद लोग हैं उन तक आप पहुँचाओगे तो वो अप्लाई कर पाएंगे। बाय द वे और इस तरह की रिक्रूटमेंट आएगी, अभी इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हो ना नीचे कमेंट करके उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें जिस जगह से देख रहे हो, ताकि आपके आपके नज़दीकी स्कूलों में जब भी रिक्रूटमेंट आए उसकी सूचना आपको मिल पाए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। यहाँ से देख लो, बीएड होना जरूरी है और ये जो वैकेंसी है ना 25 से लेकर 45 साल जो है एज क्राइटेरिया को रखा गया, यानी कि मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 45 साल, इससे कम की उम्र आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये तो हुआ पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो है, आप BTC वाले से अप्लाई नहीं कर सकते, तो BTC वाले इस वीडियो को ना देखें, शारीरिक शिक्षा वगैरह से ग्रेजुएशन कर रखा है और जो उसके लिए BPED होता है वो कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। आगे देखिए, यहाँ से देख लो, एज वाली बात यहाँ पे रख दी गई है और यहाँ से देखो 45 से अधिक नहीं आपकी एज सीमा होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी जो उम्र है वो 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के अलावा जो होता है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सब भी आपको जो है बनवाना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से देखिए मेरिट कैसे बनेगी, एग्जाम होगा नहीं इसका, ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसे जो है फिल करके आपको भेजना है। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? तो देखिए अब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा। देखो ये जो वैकेंसी है इसकी आखिरी डेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फिर भी एक बार मैं यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ, वेट ए मिनट। ये देखो यहाँ से आप देख पाओगे 16/2/2024 तक आप अप्लाई कर पाओगे, सॉरी मैंने वहाँ पे थंबनेल पे गलत लिख दिया था, ये 16/2/2024 तक आप अप्लाई कर पाओगे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से ये रिक्रूटमेंट आई है। कहाँ से? बुलंदशहर से। अब आप बोलोगे कि SST साइंस टीचर, मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो देखिए एज ऑफ नाउ नहीं आई है तो मैं क्या ही आपको बता सकूंगा, तो नहीं आई है इसलिए मैंने ये बातें बताई आपको। अब देखिए 2 लिफाफे जो है इस अंदर में जो है, आपको बड़ा सा एक लिफाफा लेना है, उसके अंदर 2 छोटे छोटे लिफाफे जिसपे आपको अपना एड्रेस लिखना है और
उसके ऊपर जो है 42-42 रुपए का डाक टिकट भी चिपका देना है। देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना। तो इसके बाद जो है ये चीज़ों को जो है आप रख कर जाओगे। और एक और बात, 11 महीने 29 दिन के लिए ही ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी को एड्रेस कहाँ से भेजना है, जो आप भरोगे सभी चीज़ों को, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के नाम से आपको ये लेटर पोस्ट कर देना है। एक और बात, जब आप बड़ा सा जो लिफाफा लोगे ना उसके ऊपर में आपको क्या करना है, अपने पोस्ट का नाम मेंशन कर देना है। जैसे सपोज कर लो कि मैं कंप्यूटर टीचर के लिए जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर टीचर लिख दोगे, ठीक है, कंप्यूटर लिख दोगे। एंड ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, जैसे सपोज कर लो कि आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप UR लिख दोगे। वेट ए मिनट, यहाँ से देख लो, अगर आप एक मिनट में फिर से बना देता हूँ, देखो अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे कंप्यूटर लिखोगे पूरी में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पे यहाँ पे लिख देना है, UR लिख देना है। अगर आप OBC से आते हो तो OBC लिख देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही और भी रिक्रूटमेंट आएगी। अगर वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिया, जो भी भाई बहन ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए बराबर रेगुलरली बनाता रहूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, किसी WhatsApp या Telegram ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर से जरूर आप क्या करें, पहुँचा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।